चलिए तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो आपका टॉपिक है वो है क्या एक्चुअली में? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम सबको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब आपके कहाँ पे आ जाते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपके लिए जो कि आपको शायद याद होगा, एम सी एन इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका आंसर? किसी भी बच्चे को याद होगा तो वो बता सकता है। एन सी एन इक्वल्स टू में क्या लिख सकती हूँ? आप लोगों ने लॉगरिदम भी पढ़ लिया, बाइनोमियल भी पढ़ ही चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग एन सी एन क्या लिख सकते हो आप? मैम 1 वन लिख सकते, एन और एन देख के आपने वन बोला, दैट इज वेरी गुड। सेकेंड में अगर मैं लिखूं 100C3 इज इक्वल टू 161700 और मैं आपसे पूछूं कि 100C97 क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ही, फॉर्मूला से बताओगे एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस वन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, मेरा एन कितना हो गया यहाँ पे, 100C 100 माइनस 97 विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 100C3, और ये आपका कितना हो गया 161700। ये हो गया। अब थर्ड नंबर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि 6CR इज इक्वल्स टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, बताइए आपके R के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है, R इज इक्वल्स टू आपका कितने तक होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 तक होगा। राइट तो एक्चुअली में हमारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कितने हो गए? एक्चुअली में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आपके कितने हो गए? अरे देख कर बता दीजिए ना, मैम 6 तक। 6 6 हो गए। एक मिनट बच्चों, हाँ जस्ट एक मिनट में मैं आ रही हूँ, थोड़ा इतनी जोर से तूफान आया है ना कि मेरी खिड़कियां टूट जाएंगी, बस एक मिनट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से अपना। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल हमने देखा था बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, और ये तीन हमको याद भी आ गया कि हमने इसे पढ़ा था। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए है, वी नो डैट ये तो फॉर्मूला मैम आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मैम लास्ट स्लाइड एक बार रिपीट करता हूँ। क्या रिपीट करना है इसमें बताइए, कौन सा स्टेप आपको रिपीट करवाना है? मैम थर्ड थर्ड वाले में क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर पूछ रहा है, तो 6CR आपको दिया ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है एम सी आर, तो आर माइनस वन मतलब आर माइनस वन अगर लेते हो तो ये तो 5 तक आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर 5 तक आ सकता है, बट अगर आपको बोल दिया है कि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, मतलब आपको 6 तक के वैल्यूज लिखने हैं, क्योंकि जो R है वो 6 से या तो छोटा है या तो उसके बराबर है, बराबर है तो 1 2 3 4 5 के संग 6 भी आ जाएगा। कंडीशंस आपको दे दिया है और आपको क्या लिखना था, उसका आंसर लिखना था, तो इसमें रिपीट क्या करना है, हो गया, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है,
ये स्लाइड आपको क्या बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है और बोल रहा है नाउ यूजिंग अ सिमिलर अप्रोच वी कैन अराइव एट द एक्सप्रेशन फॉर ए प्लस बी द होल पावर 4 कॉमा ए प्लस बी द होल पावर 5। इसी की तरह हम लोग 4 और 5 के लिए भी क्या कर सकते हैं, अराइव कर सकते हैं ए प्लस बी द होल पावर 4 कॉमा ए प्लस बी द होल पावर 5। ठीक है, तो अगर ऐसे होगा तो कोएफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 कॉमा 5 कॉमा डैश डैश डैश। जितनी बार ये पावर्स रिपीट होता जाएगा, ए प्लस बी टू द पावर एन है ना, तो 5 के बाद अगर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब ये जाएगा, इसको जहां तक जाना है। हमें बस याद रखना है क्या, ये फॉर्मूला याद रखना है, और कोएफिशिएंट अगर पूछता है तो आपको बता देना है। नेक्स्ट स्लाइड में जरा चलते हैं हम लोग। तो वैसे तो आपके लिए ये पढ़ा हुआ स्लाइड है, मगर फिर भी आप रिविजन कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी अटकेंगी, समझ नहीं आएगा। The binomial theorem is the appropriate tool in this case, ठीक है? इतनी बड़ी बड़ी अगर values दी होंगी, तो ऐसे में तो हम binomial theorem ही लगाएंगे। जैसे कि it helps us arrive at the expression for a plus b to the power n for any value of n। मतलब मैंने बोला ना, n की जगह पे कुछ भी आएगा, 1000, 2000, infinite कितना भी आ सकता है। Consider the following cases in which we find the expansions. When a binomial expression is raised for different power. तो ये हमें क्या कह रहा है कि आपकी जो संभव स्थिति हो सकती है, संभव स्थिति मतलब जो डिफरेंट पावर्स आपको दिया होगा ना, उससे संबंधित जो स्थिति हो सकती है उसको इसने बाइनोमियल एक्सप्रेशन के इसमें लिंक करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इसको फिर से तो मैं रिपीट नहीं करके लिखूंगी, बस यहाँ पे जो लिख दिया है उसी को देख लेते हैं। x टू प्लस वाई टू दी पावर 1 अगर दिया है तो आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई, पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म कहानी। x प्लस वाई द होल स्क्वायर अगर दिया है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई द होल क्यूब अगर दिया है तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। देन x प्लस वाई द होल पावर 4 अगर दिया है, x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y टू दी पावर 4। तो 4 के टर्म्स में देख सकते हो आप कि चीजें कैसे बढ़ रही हैं और घट रही हैं। ये सब इन्होंने कैसे लिख दिया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेकर के लिख दिया है। चलते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में। पास्कल ट्रायंगल जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी था, तो पास्कल ट्रायंगल क्या आपको बताता है, दिस डेफिनेट पैटर्न शो अबव कैन बी यूज्ड टू राइट द बाइनोमियल एक्सपेंशंस फॉर हायर पावर। हायर पावर्स के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उसके लिए आप लोगों ने एक पाई चार्ट जैसा पढ़ा था ना, वो भी फिर से पढ़ लेंगे। उसके लिए कैसे लिखा जाएगा, तो पावर्स लाइक आपका क्या हो गया है, 6, 7, 8। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। 1 is equals to मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 to the power 0, क्योंकि 2 to the power 0 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 plus 1 मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, which is equals to 2 to the power 1 आपका हो जाएगा। 1 plus 2 plus 1 में क्या लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ। देख रहे हो 1 और 1 तो रिपीट हो रहा है, बट बीच बीच में नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो 4 is equals to क्या हो जाएगा, 2 to the power square। Then 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 1 is equal to 8, which is equals to 2 to the power 3। लोगों को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है क्या, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे व्हाट्सएप, मैम प्लीज ज्वाइन मी इन द क्लास। अब भाई अलग से मैं कहां से इनको ज्वाइन करूं। अच्छा ठीक है, छोड़िए। ठीक है, तो 2 to the power 3 के बाद मुझे क्या पता है, अब 2 to the power 4 आएगा मेरा, यानी कि 1 plus 4 plus
ये हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द एक्सपोनेंट इन द बाइनोमियल 1 2 3 4 5, क्या है ये एक्सपोनेंट, जरा देखा जाए इसको। इन्होंने कितना सुंदर से यहाँ से ग्लास जैसा इन बना करके हमें डायग्राम दे दिया है। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, अगर आप देखोगे 1 + 1 आपका 2, फिर 1 और 1 तो एज इट इज आया, बीच में 2 आ गया ना, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, अच्छा फिर 3 3 बीच में आ गया तो लास्ट में फिर से 1 आ जाएगा। 1 हमारा एंड तक जाएगा ही जाएगा। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, तो यहाँ से आपकी चीजें क्या होती गई, चीजें बदलती गई। 4 + 1 5, 4 + 6 10, then 6 + 4 again 10, then 4 + 1 5 हो गया आपका। तो फिर से चीजें क्या हुई, बदलती गई, 1 और 1 तो है 5 10 10 5, ठीक है। इसी तरह से चीजों को ऐड कर करके अपने को लिखते जाना है। 1 और 1 एंड पे आएगा, उसके बीच में सारे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। देख रहे हो आप, नंबर रिपीट भी हो रहा है। तो यही जो आपका एक्सपेंशन दिया है, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे को कहा जाता है पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल इसको बोला जाता है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। फाइंड द थर्ड एलिमेंट इन द फोर्थ रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल, कैसे किया जाएगा। तो आपका थर्ड एलिमेंट इन द फोर्थ रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल इज कितना हो सकता है। वी नो दैट कि पास्कल ट्रायंगल आपका कैसे डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन होगा पास्कल ट्रायंगल, इज डिफाइंड एज, क्या होता है ये, एन सी जीरो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, एन सी वन कॉमा एन सी टू कॉमा एन सी थ्री एंड सो ऑन। आज अंकिता, सौरभ, सक्षम को तो देखा मैंने क्लास में, सौरभ ये सारे लोग क्यों नहीं आए भाई, इनका टूर्नामेंट चल रहा है। यस मैम, टूर्नामेंट चले गए हैं। चल ओके ओके यस। चलिए तो टू फाइंड द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे तो फोर्थ भी अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। इन द फोर्थ रो कैसे किया जाएगा, 4C2 इज इक्वल टू 4 - 1 C2 - 1 प्लस 4 - 1 C2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि आपने कैसे लिखा, तो NCK इज इक्वल टू N - 1 × CK - 1 प्लस में N - 1 × CK, इक्वेशन 1 भी हो गया और ये मेरा फॉर्मूला भी हो गया। मुझसे पूछा है क्या फोर्थ एलिमेंट, सो अगेन 4C2 इज इक्वल टू 3C1 प्लस 3C2, 4C2 इज इक्वल टू 3 + 3, सिंस 3 + 3 कैसे 3C1 is equal to 3, is equal to 3, 3C2 is equal to 3, 4C2 is equal to 3 + 3 आपका हो जाता है 6। इस तरीके से आपने फोर्थ एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और वैसे भी आप पास्कल ट्रायंगल बना के करते तो भी आपका फोर्थ एलिमेंट आपको 6 मिल ही जाता, आपने अगर इस फॉर्मूला से कर लिया तो वो ज्यादा बेटर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें. अ कॉइन इज टॉस्ड इन थ्री टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स. कॉइन में क्या होता है, हेड एंड टेल दोनों होता है. तो क्या लिख सकती हूं मैं यूजिंग द पास्कल्स ट्रायंगल फॉर्मूला. ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या लिख सकती हूँ, टू टू द पावर थ्री, क्योंकि क्योंकि दो पहलू होते हैं एक पॉइंट के, एक हेड और एक टेल, और एग्जैक्टली टू टेल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और थ्री टाइम्स टॉस हुआ है, तो टू टू द पावर थ्री बनेगा मेरा, विच इज एट. और वो कैसे बना, वन प्लस थ्री प्लस वन एट होता है. और ये रो आपको याद भी होगा, तो बस उसी रो को पूरा याद कर लिया है तो वो आप लिख सकते हो, वेयर थ्री ऑफ देम गिव एग्जैक्टली क्या देते हैं वो, टू टेल्स. हाँ टू टेल्स. ठीक है, चलिए अब और क्या करेंगे. Therefore, हम लोग क्या बोल सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स कितना हो गया, कितना प्रोबेबिलिटी हो गया भाई. अभी तो हम लोगों ने निकाला थ्री अपॉन एट, थ्री अपॉन एट मैम, हैड सेवन अपॉन एट. हाँ कितना, 7/8 मैम, हेड प्रोबेबिलिटी 7/8. 7/8 कैसे बोला आपने, मैम हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की तो पूछी नहीं है ना, टेल की पूछी मैम, निकाल तो आई. ओके निकाली तो आपने, वेरी गुड. ठीक है, तो 3/8 आपकी क्या हो गई, अरे अरे क्या कर रही हूँ मैं, 3/8 आपकी टू टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई. एंड मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली, जैसे कि इन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड कितने टाइम्स कितने टाइम्स, एग्जैक्टली टू टेल्स का 3/8 आया, तो एग्जैक्टली टू हेड का अरे 7/8 वाले बच्चे बताएं आपने इसको कैसे निकाला. जब आपको बोलना ही नहीं है तो मैं भी ये सेंटेंस क्यों ही लिखूं, फिर छोड़ देते हैं. हमसे जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही बताते हैं. हमें तो लगा कि भाई आप हमें कुछ नया बताने वाले हो, सारे लोग एक्साइटेड थे जानने के लिए. सो ठीक है, चलिए आप चाहो तो फ्रैक्शन को पॉइंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो. थोड़ा सा बोरिंग है आज का क्लास, ये मैं भी मानती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग लग रहा है, बट बोर होना भी जरूरी है क्योंकि ये चल रहा है आपका रिवीजन, रिवीजन थोड़ा बोरिंग होता ही है. फाइंड ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ पॉलीनोमियल एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई टू द पावर सिक्स. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एक्स प्लस सिक्स. So, कैसे मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगी, पास्कल्स का वन, देन वन और वन, ठीक है, देन वन और वन तो मेरे रहेंगे बीच में आ जाएंगे, टू टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, एंड वन और वन आ जाएंगे, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस वन फाइव, टेन फाइव, अब 15, 20, 21, 21, 21. कितने अच्छे से हमने पास्कल ट्रायंगल बना दिया. और पास्कल ट्रायंगल बनाते ही आपको क्या बोला है, x plus y is equals to 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वाला रो आप क्या कर लोगे, बुक कर लोगे अपने लिए. क्वेश्चन ने बोला है ना बुक करने के लिए, तो हम बुक कर लेंगे. ठीक
ठीक है, तो ये आपका हो गया, और ये हुआ क्या है आपका, सिक्स्थ रो हुआ है. सिक्स्थ रो. ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया. अब आज और क्या रिवीजन किया जाए, इसमें और भी क्वेश्चंस है तो वो भी देख लेते हैं. क्विज में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे आपके पास. डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग पास्कल ट्राइंगल. अभी तो हमने इसको किया था, तो इसका कोएफिशिएंट कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग. एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का आपका कोएफिशिएंट कितना होगा, क्या कोई भी बच्चा मुझे बताएगा इसका कोएफिशिएंट कितना होगा. आपने स्टार्टिंग के स्लाइड में ही पढ़ा था, तो कोई बताएगा कि कोएफिशिएंट कितना होगा इसका. सेकेंड रो पे अगर जाओगे तो वन 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 टू वन. ठीक है, वन टू तो कोएफिशिएंट हुआ किसका इतना. वन टू सारे हो गए ना, वन टू वन. सिंस द, इसीलिए तो मैं सेंटेंस लिख देती हूँ नीचे. सिंस द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो ऑफ क्या पास्कल ट्रायंगल आर वन कॉमा वन 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 द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये चीजें वन कॉमा टू कॉमा वन. ठीक है, बातें कर रहे हो आप लोग आपस में, थोड़ा मुझे बताओ. पता नहीं क्या, पता नहीं चल रहा है, थोड़ा मुझे भी बताओ ना, मैं भी पता करूं. कुछ कुछ मुझे चीजें ऐसे सुनाई दे रही है, पता नहीं क्या हो रहा है. मैम एनसी का ओके, मैं अनम्यूट करने जा रही थी, तब तक मैं ये खुद ही अनम्यूट हो गए. बच्चों आज का क्लास कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको रिवीजन करते हुए. बोरिंग है यस मैम, बोरिंग लग रहा है. तो क्या करे, रिवीजन ऐसे ही होता है. अब मैं आपको रिवीजन ही ना कराऊं तो फिर ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भूलते जाओगे पिछला वाला. ये मेरी जिम्मेदारी है. अभी टेस्ट होगा आपका, तो टेस्ट में बाइनोमियल थ्योरम जम कर आएगा, तो उस वक्त यही बोला जाएगा कि टीचर ने पढ़ाया क्या बच्चे को, कि बच्चा बाइनोमियल थ्योरम में क्या स्कोर कर रहा है. तो मुझे तो एज ए टीचर सोचना है ना कि आपके और मेरे इंटरेस्ट में. खुद बोर हो रही हूँ आज का पढ़ाते हुए, बट जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं. अब इंटरेस्टिंग मतलब न्यू चैप्टर ही कुछ शुरू होगा आपका. आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो इसके बाद, थोड़ा आप लोग का इंटरेस्ट जान. तो ओके, आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा. चलिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, नेक्स्ट क्लास मैम इसके बाद भी इसकी क्लास होगी. क्या क्या मैम इसके बाद फिर से ये इस टॉपिक की एक और क्लास. नहीं, कोई क्लास नहीं, आखिरी क्लास इसको नमस्ते कर लेंगे आज हम लोग. आप लोगों ने बोला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो अगले क्लास से ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट होगा. हालांकि आपका कोर्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे जो पढ़ेंगे वही पढ़ाऊंगी, फालतू का इधर उधर की चीजें क्यों पढ़ाऊं जब आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो. बट ये जरूरी है तो मुझे थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा. ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास से आपका शुरू हो ही जाएगा, डोंट वरी. यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बचेगा ना, तो हम लोग थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का झलक देख लेंगे कि है क्या. द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द nth रो ऑफ द पास्कल ट्रायंगल. बोरिंग है लेकिन फिर भी बच्चे बैठे हुए हैं, वहां मानना पड़ेगा. लेकिन आप लोग शाबाश. सम इज इक्वल्स टू 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 द पावर एन. आपका डेडिकेशन इतना अच्छा है
कि मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ तो अच्छा किया जाए. एल इज द नंबर ऑफ द रो. ये सड़ा सा क्वेश्चन पता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप लोग बोलोगे ये घटिया सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. यस, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपके लिए. एन इज इक्वल्स टू 20. Sum is equals to 2 to the power 20, which is equals to 10 plus 8 plus kitna? 2. आप इसको कैलकुलेट ही मत कीजिए, क्योंकि 2 to the power 20 आप कहाँ कैलकुलेट करने जाओगे. आप इसको ओनली 2 to the power 20 रहने दीजिए, नो इश्यूज. उसको बस दिखाना है कि n कितना आता है. अच्छा, इतने सारे क्लासेस के बाद हमने क्या किया था? होमवर्क किया था. तो होमवर्क क्वेश्चन भी बहुत ही बेकार होगा, है ना. एलिमेंट्स इन द फिफ्थ रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल इज, कितना था फिफ्थ रो का एलिमेंट? 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, ऐसे ही कुछ था. फिफ्थ रो या सिक्स रो था ये, तो इसके ऊपर भी एक रो था. तो आपको क्या करना है? Excuse me, ma'am. बोलिए बोलिए. मैम कोई मैसेज करके बोल रहा है कि आज मानव का बर्थडे है. आज किसका बर्थडे है भाई? मैम मानव. मानव का. मानव का. ओके. तो मानव ने तो चैट बॉक्स में डाला नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि सितंबर में मुझे जहां तक याद है किसी ने चैट बॉक्स में बर्थडे नहीं डाला था. तो चलिए सबके साथ पहले मानव को विश करते हैं. हां मैम, डाला था सितंबर में भी मानव ने. तो हो सकता है गलती से मुझसे मिस हो गया होगा, बट अच्छा कि आपने बता दिया. तो सो मानव, अगर आप हो यहाँ पर तो प्लीज अनम्यूट होके सामने आ जाइए एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. ठीक है, आपके सारे विशेस पूरे हों. थोड़ा सामने आ जाइए मानव, अपनी अलग दिखा दीजिए. ये सारे लोग मानव को विश कर दीजिए. तो चलिए हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग, आज मानव का बर्थडे हो गया, ये बोरिंग चैप्टर से हट के कुछ करते हैं. हाँ जी, अमित चौहान ने भी विश किया, सबने विश किया मानव को. वंशिका, वंशिका मैम मेरा भी बर्थडे आ रहा है 20 सितंबर को. अच्छा ठीक है, 20 को क्लास होगी ना आपकी? 20 मुझे याद रहेगा. वंशिका, हंसिका, 2024 याद रहेगा. 30 को. ओके, आज के चैट बॉक्स में सारे लोग अपना बर्थडे डालें, जिनका जिनका आने वाला है सारे लोग डालें. आज का चैट बॉक्स फिर से सेव होगा, पिछला वाला शायद बहुत पीछे रह गया. ओके मानव, सो आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की. वाह, आपके जन्मदिन ने थोड़ा मूड भी फ्रेश कर दिया सारे लोगों का. पलक का आ रहा है 30 सितंबर विथ रेड हार्ट. ओके, 2 मार्च, अरे भाई मार्च तो बड़ा दूर हो गया. 14 दिसंबर, 4 फेब, 20 मई, 1 अप्रैल, 2 जून, 7 फेब्रवरी. अरे वाह, आज तो बर्थडे का कैलकुलेशन किया जाए. वंशिका, हंसिका का मुझे याद रहेगा 2024. वंशिका धीमन का 23rd, 24 सितंबर, जुलाई, मार्च, 10 जून को सक्षम का हो गया, तो अब टाटा बाय बाय, अगले साल आएगा. वैसे तो मेरा भी चला गया, तो मैं क्या करूं. बाकी जिनका आ रहा है उनकी खुशी मनाते हैं. अगले साल वाले अंजलि, अंजलि ने ब्रैकेट में लिखा है, मेरे नाम से आधा नाम ले लिया इन्होंने. 2 मार्च, 28 जनवरी, 5 फरवरी. वाह वाह बच्चों, आपका बर्थडे देख के मुझे अब मेरे दिमाग में अलग अलग फ्लेवर्स के केक आने लगे हैं. मैंने आपका हाँ आधा नाम ले लिया मैम, मैंने आपका. हाँ, आपने आधा नाम मेरा ले लिया और मेरे लिए गीता छोड़ दिया, गीतांजलि नहीं, मेरे लिए गीत छोड़ दिया, अंजलि ले लिया. पूरा ही ले लेते, मैं नया नाम रख लेती, मेरे को नया नाम रखने का बड़ा मन. मैम रख लो. क्या रखो? आपका ये वाला नाम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा.
अच्छा बहुत अच्छा, वंशिका ने केक भी दे दिया ऑनलाइन। मैं नाम क्यों रखूं अपना, अब तो नाम रखना पॉसिबल भी नहीं है इसी नाम मैं से। बात कर रहा, हमारी एक मैम है वो भी वहां मोटिवेट करती है ऐसे बात करती है। अच्छा तो मेरी बहुत सिमिलर हरकतें हैं आपकी मैम से, चलिए ये तो बहुत अच्छा है। मैम हमारी मैथ वाली टीचर भी बिल्कुल ऐसी है, और मैथ ही पढ़ाते हैं वो भी। लेकिन हमारे को सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस जब मैं पढ़ाती थी तो खांसी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैम अर्थक्वेक आया था। हाँ निशांत क्या कह रहे हैं भाई? मैम अर्थक्वेक आया था। क्या अर्थक्वेक हुआ? अर्थक्वेक हुआ कहाँ पे? अर्थक्वेक हुआ अंडमान निकोबार में 2-3 दिन पहले। वहां रोज आता रहता है वो अर्थक्वेक, बाहर आएगा हम लोग अंदर बैठ के पढ़ते रहते हैं, आदत हो गया है हमारा। मैम कुछ देर डिस्टर्ब कर नहीं होता तो? मैं अभी अंडमान में नहीं हूँ ना, मैं तो अभी बाहर इंडिया में आ गई, तो अंडमान में अर्थक्वेक आता रहता है, उसमें तो मुझे सुन के भी कोई हैरानी नहीं होती है। हम लोगों ने तो बचपन से सोए भी रहते हैं तो बेड हिलता रहता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने क्लासेस लिए हैं और अर्थक्वेक आया है बट पता ही नहीं चला। कभी कभी करंट चला जाता है अगर, जैसे अचानक से सब कुछ ठप हो गया तो मालूम चलता है कि कुछ बाहर धमाका हुआ है। चाइना से जब अभी लड़ाई चल रही थी तो चाइना वालों ने अपना बोट अंडमान निकोबार आइलैंड के एग्जैक्टली बगल में लाके खड़ा कर दिया था, तो उस वक्त हमारे आइलैंड पे रातों रात लड़ाइयां चलती थी और हम लोग को पता रहता था बट कुछ नुकसान नहीं होता था हमारा, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते थे। एंड आपके एयरफोर्स, नेवी वाले, डिफेंस की आर्मी की टीम सबने पूरे आइलैंड को घेर रखा था, तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई ऐसे कुछ कर नहीं सकता। सो अंडमान में भूकंप आया है, मेरा घर है वहां पर, जाऊंगी मैं बहुत ही जल्द। यहाँ पे आते समय देखो मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है, बिल्कुल भी मैं सही नहीं हूँ अभी। सैल्यूट फॉर इंडियन फोर्सेस, सैल्यूट टू इंडियन फोर्सेस, उनकी वजह से हम सुरक्षित भी हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों हम लोग केक लेके जाते थे, मतलब एज अ टीचर मैं लेके जाती थी आपका 400-500 का जितना का भी केक आता था एक मैं जरूर लेकर जाती थी जिनका भी बर्थडे होता था, एंड हम लोग केक वेक खा के मस्त में आराम से इंजॉय भी करते थे क्लासेस। तो ऐसे बहुत अच्छा हमारा क्लास चलता था। ऑनलाइन में एक चीज यही हम लोग मिस करते हैं कि वो हो नहीं पाता है, तो बातों से ही काम चलाना पड़ता है। मैम इज बिल्ट डिफरेंट, मैम इज बिल्ट डिफरेंट, मैं समझी नहीं सक्षम आप बोलना क्या चाहते हो। हाँ जी ये तो प्राउड टू बी इंडियन, इंडियन होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड है, क्योंकि बाकी कंट्री वाले उतना प्राउड नहीं फील करते हैं जितना हम लोग करते हैं। इंडिया में भी तरह तरह के बदलाव भी आ रहे हैं, इनफैक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में भी, आप लोग नेक्स्ट ईयर 10th में जाओगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हट रहे हैं, आपको पता भी है। इस साल अच्छा आप लोग तो खुद ही 10th पे हो ना, मैं 9th सोच रही हूँ, आप लोग तो खुद ही 10th पे हो तो आप लोग तो पास कर जाओगे, तो इस साल तो जो आपने पढ़ना था नहीं अच्छी नहीं है। यस मैम हमारी किस्मत कुछ ऐसी है, मैम पिछले साल भी हमारे को पूरा सिलेबस आया था और इस बार भी हमारे को पूरा सिलेबस बोला टीचरों ने कि पूरा ही आएगा। तो आप लोगों के संग तो नाइन साफ ही हुई है ये तो मैं मानती हूँ, बट ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे 25 के सेशन में 2 बार दे सकते हैं बोर्ड्स के पेपर। कब से है आप लोगों के पेपर वैसे? मार्च में है, तो मार्च आने में तो टाइम है ना, अभी से क्यों डर रहे हो? मैम फिर भी ओके ओके क्या कर सकते हैं बच्चों, अब तो लेके चलना ही पड़ेगा। आप लोगों को जब ऐसा हो गया है आप लोगों के संग तो लेके तो चलना ही पड़ेगा, बट हाँ आपके बाद जो 9th वाले आएंगे उनको फायदा होगा, वो एक चीज है। बाइनोमियल मैंने खत्म कर दिया है ठीक है। सौरभ कब आया तू? हाँ मुझे सौरभ की आवाज सुनाई दी थी बीच में, तो मैंने भी सोचा कि सौरभ आ गया है क्या क्लास में। मैम सौरभ तो क्लास में ही था। सौरभ कब क्लास में था? मुझे शुरू से सौरभ की आवाज सुनाई नहीं दी। ये राम राम क्या है?
अच्छा राम राम, अच्छा आईडी के नाम बदल दी है, राम राम सरयन। मैं कब से सोच रही हूँ कि इस बच्चे की आवाज सौरभ जैसी क्यों लग रही है, क्यों लग रही है। मैं देख भी रही हूँ बट मैं ध्यान ही नहीं दे रही। आप पहले वाला ही सौरभ में नाम मेरा हाँ मैम है ना मेरा इसमें ब्रैकेट में मैम इसने लिखा। हाँ तो मुझे यहाँ से देखोगे अगर तो मुझे आपका सौरभ नाम थोड़ी दिख रहा है, मुझे राम राम सरयन दिख रहा है। तो मैंने सोचा मैं सरयन ही सारिया लिखा है मैम। ओके सारियन, ओके ओके सॉरी सारियन, सारिया सारिया सारिया। अच्छा देखो मैं क्या ही पढ़ रही हूँ, इंग्लिश भी मेरी खराब हो गई है। राम राम सारिया, अच्छा ठीक है। अभी जाके मैंने पहाड़ी लैंग्वेज में कुछ लिखा है क्या आपने? यस मैम, सारे का मतलब होता है सभी। तो मैं कब से सोच रही थी अंकिता मिसिंग है, तो मैं सोच रही थी सौरभ की आवाज क्यों आ रही है मुझे, और मैं ढूंढ रही हूँ किस आईडी से आ रही है। ठीक है मुझे आईडी ऋषि, निशान, भाटिया, अप्सरा, सुरेश, सक्षम, ये सब की दिख रही है, हंसिका की भी दिख रही है, और मैं आपका देख ही नहीं रही थी। अभी जब किसी ने बोला, सक्षम ने टाइप किया, तो मेरा ध्यान गया कि सौरभ इज ऑलरेडी इन द क्लास। अंकित भाईयान पूरिया ने 75 हार्ड डे चैलेंज पूरा कर लिया। ये कौन सा चैलेंज होता है 75 हार्ड डे का? मैम इसमें 75 डेज तक मैम पिक्स लेनी होती है और जंक फूड अवॉइड करना होता है और एक्सरसाइज करनी होती है 2 times day में और एक होली बुक पढ़नी होती है। क्या मतलब इतना करने के बाद आपको गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिल रहा है? मैं वो नहीं हो तो मैम सेल्फ के लिए होता है। अच्छा सेल्फ के लिए होता है भाई, इतना तो मुझे कोई पैसे दे तो मैं करूँ, वरना मैं ना करूँ, मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं सोच रही थी सेल्फ फिटनेस, हाँ मैं फिट नहीं हूँ इसीलिए देख सकते हो, बोलोगे कि मैम आप तो बीमार ही हो, आप तो वैसे भी फिट नहीं हो। एक्चुअली मैं फिट अभी नहीं चल रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब ड्यूटी होता है पूरे दिन, योगा भी मैं बीच में करती थी, अभी मेरा ठप हो गया, मुझे शुरू करना है, और दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो एनीवेज क्या ही बोलूं मैं अभी। तो आपका मैंने आज वो खत्म कर दिया, क्या पढ़ रहे थे, बाइनोमियल। अभी हमारे पास टाइम बहुत है, तो टॉन्सिल ठीक नहीं हुआ, नहीं नहीं टॉन्सिल बिल्कुल ठीक नहीं है। देख रहे हो मैम आप किस गला, क्लास में किस किस की आवाज पहचान सकते हो, मतलब बिना देखे उसको किस क्या इस क्लास में किस की मैम आप आवाज किस किस की पहचान आवाज सकते हो? पहचान सकते हो बिना देखे? देखो सौरभ, सक्षम, हंसिका, वंशिका, अंकिता, इन सब की आवाज तो मैं पहचान सकती हूँ मैम, बॉडी की साइज साइज अच्छी बन जाती है और मैम कॉन्फिडेंस फिजिक्स आता फिजिक्स मैम उसने स्पेलिंग गलत लिखा है। है। वो तो मुझे भी पता है बच्चों, योगा करने से क्या क्या होता है, बट मेरी मजबूरी है कि मेरा टॉन्सिल जो है ना, ये सिर्फ नाम का टॉन्सिल नहीं है, ये क्या करता है, जैसे मैं लेटती हूँ बेड पे सोने जाती हूँ, मुझे सोने नहीं देता है, मुझे इतनी खांसी होती है कि मैं उठ जाती हूँ, देन मैं वॉमिट करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, तो गले में कपड़ा वपड़ा बांध के फिर मैं मुश्किल से सो पाती हूँ। मेरे से भी बिल्कुल हो नहीं रहा है, एज ए टीचर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अभी मैं बच्ची बन गई हूँ, आप लोग मेरे टीचर हो। नो बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रही थी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लें क्या, शुरू कर लें, अभी तो टाइम भी है अपने पास, कितनी बातें करें। यस तुलसी मैम के कर पत्ते लेते हैं चबाना थोड़ा। मैम, अरे तुलसी का पत्ता फेल हो चुका है, उसका साइंस फेल हो गया है, कब से चबा रही हूँ, ठीक क्यों नहीं कर रहा गला, ना तुलसी ठीक कर रहा है ना काढ़ा ठीक कर रहा है, डॉक्टर की दवाई फेल हो जा रही है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे मुझे एकदम से आराम कहाँ मिला है, थोड़ा थोड़ा आराम मिला है, थोड़ा तो अभी भी नहीं मिला है ना, पूरा आराम होना चाहिए। जबकि मैम तब एंटीबायोटिक्स ट्राई करनी थी आपने? एंटीबायोटिक 5 दिन का मैंने डोज कंप्लीट कर लिया, वो 5 दिन भी फेल हो गया, पता नहीं मेरा इतना जकड़ लिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये ना मतलब जगह का बहुत असर हुआ है, अंडमान का टेम्परेचर इज वेरी डिफरेंट। मैं अचानक से वहां से निकल कर आई, और आते संग मैंने क्या किया, हर रोज मैं बाहर जाने लगी, मुझे कभी ये ऑफिस कभी वो ऑफिस, कभी ये काम कभी वो काम, मैं रोज रोज बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, हुआ यही है, और मुझे रेस्ट नहीं मिला। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैम आप पूरा का पूरा 10 दिन 11 दिन बिना किसी से बात के आराम से कंप्लीट बेड रेस्ट लो, मुझे लेट के आराम करने की जरूरत है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मान लो मैं बीच में एक एक दो दो दिन छुट्टी ले रही हूँ, बट ऐसे कंटिन्यूअसली मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो बातें तो कर ही रही हूँ। अब आपको क्लास में बुला के पुतले जैसा मैं बैठाए रखू और मैं चुप हो जाऊं, तो आप लोग रुकोगे? आधे बच्चे तो भाग ही रहे हैं, आप लोग भी भाग ही जाओगे। तो
चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्योंकि हम लोग वही पढ़ने भी वाले हैं। बाइनोमियल को करते हैं हम लोग टाटा बाय बाय, और ट्रिग्नोमेट्री को मैं उठाती हूँ जरा। सो ट्रिग्नोमेट्री का एक स्लाइड है मेरे पास, उसी को जरा अभी देखते हैं। आप लोगों के लिए भी स्लाइड बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे ही होंगे, उसकी लेवल अच्छा रखूंगी मैं। चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है देख लो पहले ही में मैंने क्या कर दिया, पूरा लाइन काट दिया। आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ोगे, नाइन्थ क्लास वालों को भी मैंने ये पढ़ाया था, तो उनको भी मैंने टेंथ लेवल का ही पढ़ाया था, आप तो ऑलरेडी टेंथ में होगी, तो ये पूरा का पूरा आप ही के लेवल का है, हालांकि आपके उसमें मैं थोड़े टफ टफ क्वेश्चन डालूंगी। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, कोण, एंगल, कोण को मापना, ठीक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप क्या करते हो, एंगल का ही मेजरमेंट लेकर के चलते हो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम था, और ये चैप्टर इधर भी मैं थोड़ा लिख देती हूँ वरना अच्छा नहीं लगेगा। सो टॉपिक आपका अगेन क्या हो गया है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। डेट एंड लेक्चर को छोड़ते हैं अभी। देखिए इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से, उसके भगवान कौन है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है। और हमको क्या पता है कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे है, आपका राइट ट्राइंगल पे ही टिका हुआ है, त्रिकोण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ट्राइंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिका है। मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब किसी चीज को मापना। गोनिया मीन्स एंगल, ट्राई गुनोमेट्री, तो ट्राई गोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। हेंस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री एंगल मेजर, दैट इज इट इज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स व्हिच हैव थ्री एंगल्स, दैट इज ट्राई एंगल्स। मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर जिनके तीन एंगल होते हैं, ट्राई एंगल से ही आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री नाप लेते हैं। द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन हिप्पोपैटस, नाम देख लो इनका, ऐसा नाम कोई रखेगा, हिप्पोपैटस of 140 BCE gave relation between the angles and sides of a triangle. कब का ये invention हुआ है, बाप रे कब का हुआ है, तब हम लोग जिंदा भी नहीं थे, हमारा जो आत्मा होता है ना, आत्मा भी नहीं बनी होगी हमारी, भगवान भी सोच रहा होगा कि सौरभ को कैसे बनाए, सक्षम को कैसे बनाए, अंकिता को कैसे बनाए, तब भगवान ने सोचा होगा जब trigonometry भी आ गया था। Further trigonometry is developed by Indian Hindu mathematicians. हिंदू मैथमेटिशियन ने इसको ज्यादा डेवलप किया। ओके तो चलते हैं जरा एंगल। तो जब मैंने एंगल की बात की, तो जस्ट मैं आपको एक अगर इसका झलक दिखाऊं, मैंने एंगल की बात की तो मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, ओके मैंने एक और क्या ले लिया, नॉर्मल ट्रायंगल भी ले लिया, क्योंकि जिसके तीन एंगल्स होते ही है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में आपका ये हो गया 90 डिग्री का, इसको कुछ नाम दे दो, बी दे दो, सी दे दो, इसको ए दे दो। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, एलिवेशन मतलब एक बिल्डिंग, एलिवेशन मतलब सीढ़ी, ऊंचाई, ऊंचाई बोल लो इसको, सीढ़ी बोल लो आप, ऊंचाई बोल लो, इमारत बोल लो, और क्या बोल लो, सीढ़ी, ये सब आपका एलिवेशन की तरफ ही इशारा करते हैं, ठीक है। इन सब का जब आपको ऊंचाई ऊंचाई निकालना होगा, तो आप क्या चढ़ चढ़ के ऊंचाई निकालोगे क्या, इतनी लंबी टेप लेकर जाओगे कि मैं जा रहा हूँ बिल्डिंग के ऊपर जाके वहां से नापूंगा नीचे से लेके ऊपर तक कितना है, ऐसा पागल तो कोई होगा ही नहीं जो इतना सब करे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल देते हैं। बट क्या एक्चुअली में इंजीनियर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालते हैं बच्चों? No, तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं। Yes, ma'am. ठीक है, बट अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा किताबी बात। ये होता है आपका बेस, ये वाला पूरा पोर्शन होता है बेस।
और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा याद रखना क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, एच होता है ये। इसको आप क्या बोलोगे, अपोजिट, और इसको क्या बोलोगे, एडजेसेंट, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, अपोजिट। हाँ, साथ में इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन ही आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिफाइन करता है। ये वाला ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे भी आपको तीन एंगल्स देने होंगे। तो मुझे एंगल्स तो पता है, एक्स वाई और जेड दे दो, और ए बी सी इसका नाम था, तो डी ई एफ इसका नाम आप दे सकते हो, और मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरा 90 डिग्री, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए सी आपका कितना हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनियस हो गया, बी सी आपका बेस हो गया, और ए बी कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, मैंने देख करके इसको लिख दिया, ठीक है। एक और ट्रायंगल जरा लेते हैं हम लोग, तो ये ट्रायंगल आपका कैसा, ये भी राइट ट्रायंगल ही मुझे लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा और बहुत ही गंदा सा डायग्राम है, मगर चल जाएगा समझाने के लिए। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, मान लो यहाँ पे मुझे थीटा लेना है, थीटा इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया क्या 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री मेरा 600 लग रहा है, 60 डिग्री का थीटा है, ये निचला हिस्सा, सो निचला मतलब ये आपका क्या हो गया, बॉटम हो गया, बॉटम ये हो गया, और ये ऊपर का क्या हो गया आपका, हाइट हो गई आपकी, ये हो गई हाइट यानी कि ऊंचाई। अक्सर हम लोग फाइंड आउट तो इसी को करते हैं कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 60 डिग्री को क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आता तो आप इसको क्या बोलते, हालांकि नीचे की तरफ ये आएगा नहीं, बट नीचे की तरफ को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंक्लिनेशन नहीं बोलते हैं, या फिर डेविएशन, डिप्रेशन और डेविएशन, ओके, इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो, डेविएशन भी बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपका होता यही सब है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है आपको, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की अगर आपने बात की है, तो मैं लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और इसमें यूनिट्स कैसे डिफाइन करते हो आप, यूनिट्स इज इक्वल्स टू डिग्री और रेडियंस, ठीक है, डिग्री इंटू रेडियंस, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में आर, आर आर कैंसिल हो गया आपका, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियंस ये हो गया, सो पाई रेडियन का सिंबल सी में आ जाता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है, सॉरी 120 नहीं 180 डिग्री, आपका 360 अपॉन 2 कितना होता है 180 हो जाएगा। तो ये पूरा रेडियन का आपका फॉर्मूला बनेगा, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी करोगे। अगर आप रेडियन की बात करो तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, 1 रिवॉल्यूशन, जो कि आपका कितने का होता है, 360 डिग्री होता है। इसी में अगर मैं आपका एक एंगल बना दूं, ठीक है, एक एंगल यहाँ से और एक यहाँ से, ए हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया इसका, और एंगल में थीटा हो गया, ये तो रेडियस हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया ओ, नीचे भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये थीटा, और ये पूरा का पूरा एल हो गया इसका, ओके, जो यहाँ तक पूरा रिवॉल्व होके आ रहा है, 360 डिग्री का ये होता है। तो यहीं से मैंने क्या निकाल लिया, रेडियन का फॉर्मूला निकाल लिया। अब रेडियन का फॉर्मूला निकालूंगी, फिर डिग्री का निकालूंगी, फिर ऐसे यू नो अलग अलग बहुत सारी चीजें निकालूंगी,
तो मेरा जाकर के फॉर्मूला रेडी होगा, वो सारे फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में पूरा आप यही पढ़ोगे फॉर्मूला और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है बेसिक। उसके बाद आप जाओगे अपने कहाँ पे जाओगे, उसके बाद आप जाओगे अपने इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे, एक दो तीन। पंडित बद्री रशार ये क्या होगा साइन तो आपको इसी टेबल से सारे फॉर्मूला मिल जाते हैं। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कॉस इज इक्वल टू पी अपॉन एच, टैन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड अगेन आपका क्या होता है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है सॉल्व होता है। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, करेंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्व तो आज इसको नहीं करेंगे, स्टार्ट करके देन छोड़ देना इज नॉट गुड, उसको एक कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग आज रेस्ट कीजिए, देन अगले क्लास से आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने वाले हो मुझे पता ही। यस मैम, यस मैम, यस मैम। बच्चों देन मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मैं भी जा रही हूँ रेस्ट।